जल्दी आ जाओ, हैरियर में होगा ना। आ रहे हैं क्या? हाँ चलो जल्दी। ओके 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 ओके। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज सुबह सुबह सभी के सभी उठ गए हैं, साहिल, पीयूष, ओरियो। वैसे आज हमारा प्लान था गांव जाने का, बट मम्मी मना करी, मम्मी करे नहीं जाना गांव, क्योंकि 10 दिन में हमको जाना ही है। पीयूष की क्लासेस भी हैं और इसका टेस्ट भी देना है, तो फिलहाल आज गांव जाना तो कैंसिल। चाचा जी जा रहे, चाचा जी को छोड़ने जाते हैं बस स्टैंड तक, बस में चले जाएंगे वो। दूध गया थोड़ा और गया। इधर देखो, चाचा जी यहाँ पे रेडी हो गए जाने के लिए। बाहर तो खतरनाक वाला फॉग हो रहा है गाइज, पूरा पानी 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 पानी। चलो चलो। तो अभी गाइस चाचा जी को हमने ड्रॉप कर दिया, गाड़ी में बिठा दिया है। अब फिलहाल जा रहे हैं हम आगे, और आगे तो यहाँ पे धूप आई हुई है। हमारे घर की साइड कोहरा था, यहाँ पे धूप आई हुई है यार। ये देखो यहाँ पे मस्त धूप आई हुई है, बिल्कुल भी कोहरा नहीं है। तो अभी गाइस हमको घर जाना पड़ रहा है, बिकॉज पीयूष के सर आने वाले हैं, तो इसकी क्लास है ना। सो गाइस अभी हम रास्ते में रुके थे, हमने सोचा जाते जाते यहाँ से फ्रूट भी ले लिया जाए। तो सबको अंगूर पसंद आ रहे हैं, पर एक डब्बा स्ट्रॉबेरी का ले लो, आज तक नहीं खाए प्लीज। तो स्ट्रॉबेरी नहीं खाई, ले ले। हाँ एक डब्बा। भैया स्ट्रॉबेरी कितने की है? तो वापस पहुंच चुके सोसाइटी में, और यहाँ देखो फॉग ही फॉग भाई, दोबारा ठंड चालू। सो गाइस अभी हम भी पहुंच चुके हैं और वो सर भी पहुंच चुके हैं, देखो चलो परफेक्ट टाइमिंग। अम्मा मैं आपके लिए फ्रूट्स लाया हूँ। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, मस्त आलू के पराठे बनाए मम्मी ने। तो अभी पीयूष की क्लास हो चुकी है, और इसका एग्जाम कब दिलाना है? एग्जाम दिलवा देते हैं कुछ दिनों में। भाई मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पे धूप क्यों नहीं आती, यहाँ पे फॉग क्यों रहता है। तो अभी फिलहाल हमको जाना है, हमारे को रिलेटिव्स आए हैं उनको लेने के लिए, उनको हमारा घर नहीं पता ना, तो उनको लेने जाना है। तो फॉर्चुनर में जाना पड़ेगा, बिकॉज दो जने हुए हैं, तो मम्मी पापा भी बाहर ही हैं और दो हम हैं, तो 6 जने हैं टोटल। तो थार में जा सकते, थार बाद में धुलाएंगे। ठंड लग रही बहुत ज़्यादा। तो अभी गाइस हम पहुंच तो गए हैं, अब पता नहीं कौन सा घर है। एक्चुअली गाइस अभी हम आए हैं मम्मूदी के पास में, मम्मूदी आई हुई थी पिथौरागढ़ से यहाँ, तो उनको अपने घर पे लेके जाना है। मम्मूदी, मम्मूदी। एकदम शांति शांति है, और कुछ ही घर है यहाँ पे, 4-5 घर है बस। उल्टे पैर वापस चलो भाई। बंदा हुआ। हम तो लोकेशन लगा के आए थे, लेकिन लोकेशन में यही जगह दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे गलियाँ नहीं है, यहाँ पे गलियाँ नहीं है ना। मैं बताता हूँ कहाँ से जाना है। तो फाइनली गाइस घर मिल चुका है हमको, ढूंढते फिरते। कितने लोग हैं? बच्चे हैं, 3 बच्चे। 3 बच्चे। बच्चे पीछे घुस जाओ। तो मम्मी जी तो मिल चुकी है, अब हम जा रहे हैं मम्मी पापा के पास में। मम्मी पापा मार्केट गए थे, तो उनको उठाते हैं और चलते हैं सीधा घर। मम्मी और पापा को आने में तो टाइम लग रहा है, इतने हम जूस पीते हैं। कौन सा पिएगा? मैं मौसमी। तो फाइनली घर पहुंच गए हैं, सारी दीदियों को मैं घर ले आया हूं, पूजा दीदी आ गई, मम्मू दीदी आ गई। अब चलते हैं, फिलहाल पहले तो थार धुलवा के लाते हैं। यार आप गाड़ी धोते हो, आपसे ऊपर नहीं चढ़ती, ये तो गलत बात है। हाँ चढ़ा दो आप। थोड़ा मेरे को भी डर लगता है कहीं उसमें टायर ना घुस जाए ना, इसलिए मैं भी नहीं चढ़ाता। बस 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 बस। चलो इतने गाड़ी धुलती है, इतने मैं कुछ BR100 से सामान लेके आता हूँ, कुछ सामान लेना था ना मुझे। एक्चुअली मुझे कुछ पर्सनल वाली शॉपिंग करनी थी, तो वो करते हैं और उसके बाद चलते हैं गाड़ी के पास। तो पीयूष के लिए मैं ले रहा हूँ आटा नूडल्स, नहीं तो फिर वो मैगी लेगा ना, इसलिए मैंने आटा नूडल्स पहले ही ले लिया। चलो तो अभी जो है गाड़ी धुल तो चुकी है, अब ये कह रहे हैं कि गाड़ी को नीचे लेके जाओ, अब ये रिस्क मुझे ही लेना पड़ेगा। तो अभी गाड़ी थार धुलवा के तो आ गए, अब जा रहा हूँ पीयूष को ढूंढने के लिए, बिकॉज अभी हमको जाना है गेमर फ्लिट भैया के पास में, उन्होंने बुलाया था, कुछ काम था। पीयूषी, गेमर फ्लिट भैया चलना है क्या? गेमर फ्लिट भैया भाई कहाँ जा रहा है? भाई गेमर फ्लिप भैया का नाम सुनते ही ऐसे भागा नहीं। तो भी गाइस हम जा रहे थे, लेकिन गाड़ी में देखो पता नहीं क्या साइन आ गया ये। अब दोबारा महिंद्रा शोरूम जाना पड़ेगा। लैपोपट हो गया, जाना था गेमर फ्लिप भैया के पास में, और गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है, तो महिंद्रा आना पड़ा हमको। अब देखते कितना टाइम लगता है, ये कह रहे टाइम लगेगा, अभी चेक कर रहे हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। भाई इससे अच्छा फॉर्च्यूनर लेकर आते, अभी तक मैं उनसे मिल रहा होता, उनको यही बुला देते हैं, उनकी गाड़ी में चलेंगे, उनकी गाड़ी में चलेंगे। हेलो 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 हेलो, अभी हम महिंद्रा में, हमारी गाड़ी खराब होगी। आप आ जाओ महिंद्रा। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ, हैरियर में होगा ना। आ रहे हैं क्या? हाँ चलो जल्दी। ओके 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 ओके, मैं आ गया, वो महिंद्रा आ रहे हैं। ऐसे क्या कर रहा है? आपको नहीं पता सरदा। तो गाड़ी अपने अंदर ठीक हो रही है, अभी हम बाहर आ गए, गेमर फिट भैया का वेट कर रहे हैं। यार तू इतना क्यों चल रहा है भाई?
वो यहीं आ जाएंगे। खुशी खुशी खुशी, कब आएंगे वो, कब आएंगे तलब। मेरे को तो भूख लग रही है, गाड़ी मिल जाए उसके बाद कुछ खाने चलेंगे यार। अरे रुक जा भाई, रुक जा। ओ भाई रुक जा, ओ भाई कहाँ जा रहा है? अरे अरे ये कैसे चल रहा है? खैर यार भाई, भाई कैसे हो? मैं एक सेल्फी ले लूँ आपके साथ प्लीज। कह रहे गियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, गियर लगाने में, मतलब ऐसे तो ऑटोमेटिक है, गियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है इसलिए उठा रहे हैं, उठा के देख रहे हैं तो नीचे से हमारी थार कुछ ऐसी दिखती है। भाई सीधा गियर ना ले कहीं सिर पे गिरे, नीचे से तो बिल्कुल ही अलग लग रही है। तो अभी आज हमको थार को छोड़ के जाना पड़ रहा है बिकॉज टाइम लगेगा, तो थार में सारा सामान निकाल लेते हैं। गेम फ्लूड जाके समझाएंगे इनके हैरियर में, ये कह रहे हैं कि बहुत टाइम लगेगा, तो सारा सामान निकाल लिया हमने थार से और थार छोड़ दिया, शायद हमको थार अब कल मिलेगी। ले यार सारा पोपट पोपट हो गया, अब आपको घर छोड़ना पड़ेगा हमको। हाँ हाँ चलो ठीक है, पहले घर ही छोड़ देते हैं इनको। नहीं नहीं घर अभी नहीं, अभी घूमेंगे थोड़ा, अभी कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रही है यार, खाएंगे। मूड खराब हो गया यार, अभी धुलवाई थी मैंने थार। बताओ किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मैगी पॉइंट, मैगी खाने और चाय पीने। आज सोने पे सुहागा हो गया। कुछ अच्छी चीज खिलाओ ना, इटालियन कुछ। सो गाइस अभी हम आए हैं स्काईडेक कुछ खाने पीने के लिए। क्या पिएगा भाई? अरे तू क्या कर रहा है, गाल की खींच रहे उनके, कॉपीराइट तो नहीं आएगा? सब जगह एपी डिल्लो के गाने चल रहे हैं सब जगह, मतलब मैं देख रहा हूँ जहाँ भी चले जाओ जो भी सुन रहे हैं सारे एपी डिल्लो के गाने, सारे के सारे। भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं यहाँ पार्टी कर रहा हूँ। चिपकता क्यों रहते हैं आपसे? पता है आपके आने से पहले क्या कर रहा था? तलब हो रही है मुझे तो आपकी। अरे शादी कर लेंगे मैं प्लीज से, मैं प्लीज बाल विवाह नहीं होगा। तो खाना पीना तो हो चुका है, अब हमारा मन कर रहा था कुछ गाजर का हलवा टाइप का, कुछ गरम गरम हलवा खाने का, तो हम आए हैं एक स्वीट शॉप पे, देखते हैं मिलता है तो खाते हैं। तो अभी गाइस मस्त गाजर का हलवा खा गया है, मजा आ गया, कैसा लगा भाई? मस्त एकदम, मजा आ गया यार। तो चलो अब फिलहाल जाते हैं घर पे, सही पेट फुल हो गया मेरा तो। रात को सनरूफ से निकलने का मजा ही कुछ और है भाई। यार मेरी किसी गाड़ी में सनरूफ नहीं है यार, अब लग रहा है गाड़ी में सनरूफ होनी चाहिए यार। क्या मस्त मस्त शॉट ले सकते हैं हम सनरूफ से, 360 शॉट, 360 बहुत मजा है, मजा आ जाएगा। तो भी गाइस घर पहुंचे, काफी मजा आया, लेकिन मेरे को सनरूफ में मजा आ गया यार, मतलब मेरे को लग रहा था काश मेरी गाड़ी में भी होता, इतना अच्छा लगता था ना पहाड़ों पे शूट करने के लिए, 360 शूट करने के लिए। फिलहाल पीयूष तो अपना शूट कर रहे हैं यहाँ पे, मैं अपनी एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद फिर जल्दी इसकी क्लास भी है, जल्दी शूट कर ले पीयूष। हो गई कंप्लीट वीडियो? यस। एंड मेरी भी यहाँ पे एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, पीयूष अपनी क्लास करेगा और मैं अपनी एडिटिंग कंप्लीट करता हूँ और फिर सोऊंगा मैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।